मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मनुष्य जिंदगी का उद्देश्य समझ ले और जिंदगी का मतलब समझ ले तो वो कुछ अद्भुत कार्य कर सकता है और जीवन की सार्थकता के लिए अत्यंत उद्यमी प्रयास भी कर सकता है। लेकिन जब मनुष्य पशु प्रवृत्ति से प्रेरित होके घनघोर अंधकार में भटकता रहता है, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष में जकड़ा जाता है, अज्ञानता का घर घोर अंधकार जब राहु केतु की तरह उसे ग्रहण लगा देता है तो व्यक्ति पतित हो जाता है और दिन रात तबाही का तांडव नृत्य करता रहता है, हाहाकार करता रहता है, भले वो छोटा कीड़ा मकोड़ा की तरह हो या राष्ट्रों के राष्ट्रपति के रूप में हो, जिस तरह आप देख रहे हैं रसा यूक्रेन और यूएस और नेटो ने करके रखा है। तो ये पद और पोजिशन की बात नहीं है, ये लोग जीवन के मोल को नहीं समझता, ये तौलता नहीं कि जीवन क्या है। जीवन एक क्षणभंगुर चीज़ है, जीवन एक क्षणभंगुर है। हम यहाँ आए हैं एक पटकथा के रूप में, एक किरदार निभा रहे हैं, तो हमें ये चुनना है कि हम किस तरह के किरदार निभाएं। एक दिन हम सभी चले जाएंगे, यहाँ आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चर भरे एक बंधे जंजीर, यहाँ जो भी आया है वो जाएगा। साधो ये मुर्दों का गाँव, पीर मरे पैगंबर मरी हैं जिंदा जोगी, राजा मरी हैं प्रजा मरी हैं जितने भी आए हैं सभी मरणशील है चले जाएंगे। चंदा मरी हैं सूरज मरी हैं सारे लोग मर जाएंगे, कोई रहेगा नहीं। नाम अनाम अनंत रहता है दूजा तत्वा न होई, कहत कबीर सुनो भाई साधु भटक मरो मत कोई। कहने का मतलब है कि जो सत्य है, जो ज्ञान है, जो प्रेम है, जो स्नेह है, जो मानवता के कल्याण के लिए आत्मा सर्वभूतेषु वसुदेव कुटुंबकम सर्वधु सुखिना, यही सत्य है। जो लोग इसकी खोज में हैं उन्हीं का जीवन सार्थक है, बाकी जो स्वार्थी लोग हैं, कामी क्रोधी लोभी लालची सत्यानाशी, दुनिया को जलाने की कोशिश करते हैं, परिवार में कलह करते हैं, परिवार को जलाते हैं, समाज को जलाते हैं, मानवता के लिए कुछ तो करते ही नहीं, पशु प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं। तो उनको मैं ये एक याद दिलाना चाहता हूँ, मुकेश जी से मैं अनुरोध करूँगा कि उनके गाए हुए गानों को सुनाने की मुझे अनुमति दें। वो जाने वाले अगर अच्छे कार्य करके हो तो लोग बार बार बुलाएंगे, आपके लिए रोएंगे, आपके लिए आंसू बहाएंगे। लेकिन अगर इस तरह से दुष्ट की तरह मरोगे, रावण कंस कुंभकर्ण दुर्योधन दुशासन महाभारत की लड़ाई लड़ाते रहोगे रसा यूक्रेन में, और विश्व में एटॉमिक बम और न्यूक्लियर बम का धमकी देके एक दूसरे को दबाने की कोशिश करोगे तो सभी थूकेंगे। भरे तुम कितने भी पद पर आसीन हो, भरे तुम कोई भी हो, ये तो दारिंदगी है, ये तो पशु प्रवृत्ति है। तो प्यारे दोस्तों, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव वांती, असीम आत्म भाव जो अखंड विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, प्रेम ही जीवन है, पोथी परि परि जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जो विनाशकारी लीला हम देख रहे हैं रसा और यूक्रेन के युद्ध में, महायुद्ध में तबाह हो रही है, जीवों का कोई मूल्य नहीं है, महाभारत युद्ध की तरह शरीर छत बिछत करके उड़ा दिए जा रहे हैं, सारे संसाधनों का विनाश हो रहा है, मानवता हार रही है और दुष्ट राक्षस जीतने की कोशिश कर रहा है। अरे दुष्ट राक्षस कभी कोई जीतता नहीं दूसरे का सर्वनाश करके। जीतना है तो अपने मन के अहंकार को जीतो, अपने मन में जो भरे हुए हैं तुम्हारे जहर उसको उगलो बाहर और अमृत का प्यान करो, है प्यार स्नेह अहंकारी। जेलेंस्की को देखो, दुष्ट कितना बेशर्म है वो। यूक्रेन का जो राष्ट्रपति उसकी बात कर रहा हूँ, उसका नाम जेलेंस्की है, कितना घटिया है, जनता मर रही है, देश का सर्वनाश हो रहा है और पुतिन को ललकार रहा है, और दुनिया के जितने भी अमेरिकन और नेटो वाले उसको एक पागल सांड को जैसे लाल कपड़े से भड़काते हैं, भड़का रहे हैं, और वो भड़क रहा है, ललकार रहा है, लड़ो 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 मरो मरो। अरे बेशर्म दुष्ट, तुम तो गंदे नाले के कीड़े जिंदे हो, मर तो रहे हैं हमारे भाई और बहन, यूक्रेनियन भाई और बहन, तबाह तो हो रही है उस देश की संपदा जिसको तुम क्या तुम्हारे लाखों परवादों दादों भी नहीं कभी बना सकते। बेशर्मो, मरोगे एक दिन
और कोई याद भी नहीं करेगा, थू थू करेगा तुम पर। लेकिन जो महापुरुष दुनिया के लिए जीते हैं, दुनिया के लिए मरते हैं, दूसरों के कल्याण की बात करते हैं, उनके लिए मैं ये मुकेश जी की स्वर में कुछ सुनाना चाहता हूँ। सुनिए।